बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना। 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेके अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया। शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है, 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से यह गंभीर बीमारी का संकेत है। तो यह हम सबके लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर एक। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है, कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर,
मैं खुद रहा हूं 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है और किस वक्त में किया जा रहा है? आपको याद होगा जैसे ही ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी, हाई कोर्ट में पहुंचकर बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना है। कानून को, नियम को, प्रक्रियाओं को ताक पे रख के स्टे ले लिया गया अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई के ऊपर। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन आने वाली एजेंसी ईडी के द्वारा। और जब हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पक्का मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही थी, ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान हम लोगों ने देखा था अदालत का रुख, उससे साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी, उससे ठीक पहले सीबीआई का झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। क्यों बनाया गया? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्यों बनाया गया? उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो प्रताड़ना, जेल में डालना तो एक विषय है, लेकिन केजरीवाल अपने स्वास्थ्य से टूट जाए, उनको गंभीर बीमारी हो जाए, उनके साथ जेल के अंदर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, ये बड़ा साजिश और षड्यंत्र का मकसद है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का। इसलिए माननीय न्यायालय को भी इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और जो एक छोटा मामला अब सीबीआई का बचा है, आप जानते हैं ईडी जब जमानत देती है तो पीएमएलए की शर्त कहती है कि अदालत को यह लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है, तभी उसको जमानत मिल सकती है। ईडी की कोर्ट ने जमानत दिया, ये मान के दिया कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, ये मान के दिया कि ईडी के अधिकारी बायस्ड तरीके से, दुर्भावना से केजरीवाल के खिलाफ केस बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कल, उस फैसले में भी साफ तौर पर कहा गया है कि जांच करने का मकसद, पूछताछ करने का मकसद यह नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार करें। और बहुत सारे गंभीर सवाल ईडी के ऊपर उठाए गए। लार्जर बेंच से फैसला आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पीएमएलए का और ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बड़ी बेंच है, जो गठित होनी है, वो निश्चित रूप से रोक लगाएगी और कोई एक फैसला देगी। लेकिन जो केजरीवाल के स्वास्थ्य की हालत है, आपके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि अगर उनको जल्द ही बाहर निकालकर समुचित इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कोई गंभीर घटना जेल के अंदर हो सकती है। रात बिरात अगर इसी प्रकार से 5 बार सुगर डाउन हो चुका है तो रात बिरात उनके साथ कोई घटना हो सकती है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि सुगर लेवल के मामले में अगर सुगर 50 से नीचे इस प्रकार जाता है तो कई बार सोते सोते व्यक्ति कोमा में जा सकता। तो ये बातें थी जो आपसे शेयर करना था, आपको जानकारी देना था कि 21 मार्च से अब तक 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, 5 बार उनका रात में सोते वक्त वजन 50 से नीचे जा चुका है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई मामले में भी जल्दी राहत मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जो कुछ भी बीजेपी के लोग या देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ कर रहे हैं
उसका जवाब हम लोग मिलकर देंगे।